भारत सरकार की दूरसंचार कंपनी BSNL जल्दी कम दर में उपभोक्ताओं को 4G मोबाइल और गांव में सस्ती वाईफाई सेवा उपलब्ध कराएगी। इन पर काम चल रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत सरकार की कंपनी BSNL जल्दी 4G मोबाइल सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। पिछले 2 सालों से इस पर काम रुका हुआ था। झारखंड के कुछ जिलों के ग्रामीण इलाकों में 4G मोबाइल सेवा चल रही है। गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, पलामू, सिमडेगा के ग्रामीण इलाकों में भी अब इसकी सेवा मिल रही है। ये BSNL के रांची बिजनेस एरिया का क्षेत्र है। अन्य निजी कंपनियों की तुलना में BSNL की 4G मोबाइल सेवा सस्ती होगी। जो BSNL में है कि 4G हमारा ग्रामीण क्षेत्र में है, जो हमारा रांची बिजनेस एरिया है उसमें 6 जिलों में तो अभी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा और लातेहार में है। लेकिन इसको मैसिव रोल आउट करने के लिए कि बड़े शहरों में, तो उसके लिए जो अभी टेंटेटिव डेट है वो जुलाई 2022 का है। उसके लिए प्रिपरेशन के लिए हम लोगों के पास आ भी गया है कि हम लोग ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दें। तो एक्सपेक्टेड है कि 6 से 7 महीनों में हम लोग सारी क्षेत्रों में भी इसको रोल आउट करने लगेंगे। BSNL का कॉस्ट जान ही रहे हैं कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी है, रिलायबिलिटी भी है। तो हम लोग आशा करते हैं कि 4G आते ही अब फिर से मार्केट को बढ़िया से पेनिट्रेट करेंगे। पूरे भारत में एक नई योजना की शुरुआत हो रही है। झारखंड के 2 स्थानों पर पीएम वाणी योजना के नाम से योजना के तहत सस्ती दर पर ग्रामीण इलाकों में वाईफाई शुरू होगी। ये गांव के चौक चौराहों पर PCO की तरह होंगे। बहुत ही सस्ती दर पर आम उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवा मिल पाएगी। इनके भी उपकरण आ गए, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को इसका बहुत लाभ मिल सकेगा। ईस्टर्न जोन में हम लोग स्टेट झारखंड और असम में हम लोगों ने चालू किया है। और इसमें क्या है कि काफ़ी कॉस्ट, लो कॉस्ट पे ग्रामीण क्षेत्रों में 4G से भी ज़्यादा स्पीड, यानी 100 Mbps तक का स्पीड लोगों को दिया जाए और उसका कॉस्ट भी काफ़ी कम है। जैसे कि जो है 69 रुपीज़ में 30 GB हम लोग दे रहे हैं, तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और स्पीड भी 100 GB का, 100 Mbps का है। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर गांव के चौक चौराहे, स्कूल, हेल्थ सेंटर, परचून का दुकान, इस सब पे ये इसको जैसे PCO की तरह लगा दे, जिससे कि आम जनता को डेटा का जो दिक्कत है वो मिले और स्पीड भी मिले। प्राइवेट ऑपरेटर्स ने अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं, उस तुलना में BSNL के टैरिफ जो होगी आने वाले समय में जब 4G लॉन्च हो जाएगी पूरे प्रदेश में, तो यह काफ़ी सस्ती होगी और जो पीएम वाणी के तहत वाईफाई की सुविधा होगी वह तो और भी सस्ती होगी। BSNL अपनी तैयारी कर रहा है क्योंकि अभी इसके लिए इंडियन मेड इक्विपमेंट्स की ही ज़रूरत है और उसे ही लगाना है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। जल्द ही BSNL के भी अपने सिस्टम होंगे जो काफ़ी अच्छे होंगे और 4G जनरेशन के होंगे। कैमरामैन कुणाल के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।